को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। जब से मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार आई है, मिलावटखोरों के ऊपर प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है, मगर उसके बाद भी मिलावटखोरों के हौसले बुलंद है, लेकिन प्रशासन भी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर यह साबित कर रहा है कि अब मिलावटखोरों की खैर नहीं है। ऐसी ही कार्रवाई होशंगाबाद जिले की सोहागपुर तहसील में भी की गई। यहां अनेक मिल्क प्रोडक्ट कंपनी के सौरभ दूध को जांच के बाद अमानक स्तर का पाया गया, जिसके बाद खाद्य विभाग के द्वारा कंपनी के खिलाफ सोहागपुर थाने में FIR दर्ज करवाई गई है। हमारे संवाददाता रितेश साहू ने बताया कि सौरभ दूध के पैकेट पर फेट 6% अंकित था, लेकिन 2% ही निकला। FIR में खास बात यह है कि अनेक कंपनी द्वारा दूध से बसी पदार्थ को निकालकर अपमिश्रण करने के कार्य को मध्य प्रदेश की जनता के साथ छल बताया गया है। मामले में अनेक कंपनी तथा इसके नॉमिनी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 417 व 272 तथा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की 66, 26, 27 व 51 धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि होशंगाबाद में सौरभ दूध बहुतायत मात्रा में बेचा जाता है, जिसके चलते अब उपभोक्ता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। डेसिग्नेटेड ऑफिसर फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद के आदेश के पालन में ये FIR कंपनी अनेक मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड गोविंदपुरा भोपाल एवं उसके नॉमिनी के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है। इसके पीछे 31 जुलाई 2019 को फूड सेफ्टी ऑफिसर की टीम ने सैंपल्स लिए थे सोहागपुर से। सोहागपुर में सौरभ गोल्ड दूध का सैंपल लेके जांच के लिए भेजा गया था। जो फूड एनालिस्ट हैं स्टेट फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी भोपाल, उनकी जांच रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि जो इसका दूध का स्टैंडर्ड है 6.0% फैट मिनिमम होना चाहिए, उसके स्थान पर लैब टेस्ट में 2% फैट पाया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा अंतर है। ऐसे दूध में इतनी कमी फैट की पाया जाना बहुत गलत है, ये गंभीर प्रकार की अनियमितता है। तो इसी को संज्ञान में लेकर डेसिग्नेटेड ऑफिसर फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन होशंगाबाद ने जो डॉक्टर दिनेश कौशल साहब हैं, उन्होंने हमें इस प्रकरण में संबंधित कंपनी के विरुद्ध FIR करने के लिए आदेश दिए। आदेश के पालन में सोहागपुर थाना में FIR दर्ज करने की कार्रवाई कल की गई। दिनांक 31/7/2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री शिवराज पापक जी द्वारा और इनकी टीम द्वारा सोहागपुर में दुकान पर एक सौरभ गोल्ड कंपनी के दूध के पैकेट की फूड सैंपल लिए गए थे, जिन्हें परीक्षण के बाद में उन दूध के पैकेट में 6% फैट की मात्रा लेवल अनुसार होना चाहिए, जो 2% पाई गई थी। इस आधार पर फूड अधिकारी द्वारा एक विस्तृत प्रतिवेदन एवं FSL की जांच रिपोर्ट थाना सोहागपुर में FIR हेतु दी गई थी, जिस पर से धारा 417, 420, 272 एवं खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत अनेक प्रोडक्ट जो दूध के प्रोडक्ट की कंपनी भोपाल की है उसके विरुद्ध, उनके कंपनी एवं कंपनी के नॉमिनी एवं डायरेक्टरों के विरुद्ध में उक्त धाराओं का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले में विवेचना की जा रही है। कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड और उनके नॉमिनी हैं, उसके संबंध में पता किया जा रहा है। विवेचना में आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।